बताऊंगा। बेटा इंटू पढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखना कि जब हम ये स्पेशल पॉइंट है, वीवीआई वाला पॉइंट है, याद रखिएगा कि जनरली एंटर के साथ इंटू तो नहीं आता, लेकिन एंटर के साथ इंटू का यूज किया जाता है। एंटर के साथ इंटू का यूज सही माना जाता है जब ये किस सेंस में होगा, आप एंटर करेंगे किस चीज में, तो एंटर करेंगे किसी बिजनेस में। बात समझो, लिखना नहीं समझो पहले, या फिर एंटर करेंगे किसी रिलेशन में, रिलेशन में कोई एंटर करेंगे, या फिर एंटर करेंगे किसी ट्रीटी में। ट्रीटी का मतलब संधि होता है, बात समझ में आ रहा है। या फिर अलायंस का भी मतलब क्या होता है, संधि होता है, या फिर किसी चीज में पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो जब कोई बिजनेस हो, रिलेशन हो, रिलेशनशिप हो, ट्रीटी हो, अलायंस हो, पार्टनरशिप हो, ऐसे चीजों में जब आप करते हैं, बिजनेस में एंटर किए, जैसे कहते हैं वो इंसान ना बिजनेस में एंटर कर गया, वो रिलेशनशिप में आ चुका है, उसने कोई संधि किया है, कोई पार्टनरशिप किया है, तो वैसे कंडीशन में एंटर के साथ इंटू का यूज बिल्कुल भी सही माना जाता है। बात समझ में आ रहा है, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। लेकिन जनरली मैंने क्या बताया था आपको, एंटर के साथ इंटू का यूज नहीं करते हैं जब कम और गो का सेंस रहता है। समझ गए सारे लोग कि कोई अग्रीमेंट आपने किया है किसी के साथ, या फिर कोई दो देश या ज्यादा देश जो है वार में एंटर है, युद्ध में एंटर है, वार से ही रिलेटेड एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट में है सर, ठीक है, रिलेशनशिप कर दो तो ज्यादा अच्छा है, फ्रेंडशिप आपने किया है नया नया, तो वो सारा एक्सेट्रा, ये जहां भी आपको दिखेंगे उस केस में एंटर के साथ इंटू का यूज करते हैं कि एंटर पे फोकस करना है, ठीक है। यहां पे देखो एंटर का यूज किया गया पास्ट में, यार केम आया, यहां एंटर्ड है, ठीक है बेटा। अब आपको बताना है कि कहां पे प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, कहां पे प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस बताओ, सेवरल न्यू कंपनीज हैव नाउ एंटर्ड एरिया इनटू दिस न्यू बिजनेस। बोलो सही है गलत है, मतलब सही गलत मतलब कौन सा यूज करें सर, इन तो आएगा नहीं, एंटर के साथ आप यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, इंटू, क्योंकि आगे नए बिजनेस में शामिल होने की बात की गई है, दैट्स व्हाई वी यूज एंटर इंटू। दूसरा में क्या होगा, दे केम इंटू द हॉल, सही है या गलत है, हाँ बेटा कम और गो के साथ तो इंटू आता है ना, तो इसके साथ तो इंटू का यूज किया गया है, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दे केम इंटू द हॉल, वे लोग हॉल के अंदर आए। अगला पढ़ो तीसरा क्या है, वी एंटर इंटू द ऑडिटोरियम, हम लोग ऑडिटोरियम में एंटर किए थे, सही है सर, क्या गलती हो गया, आने जाने के सेंस में एंटर के साथ इंटू नहीं आता, तो भैया ऑडिटोरियम में आना जाना है ना, हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर गए तो भैया वहां पे इंटू नहीं सिर्फ एंटर होगा, वी एंटर्ड द ऑडिटोरियम। अच्छा अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ, दे हैव एंटर्ड इंटू या इन द कॉन्ट्रैक्ट, बोलो बेटा इन नहीं आएगा, क्या यूज होगा, क्योंकि एग्रीमेंट में शामिल होने की बात की गई। लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, शी हैज एंटर्ड इंटू अ न्यू रिलेशनशिप, वो एक नए रिलेशनशिप में एंटर की है, तो बता इंटू आएगा ना जी, क्योंकि आगे रिलेशनशिप की बात की गई है, क्लियर हो गया, तो गिवन सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट।